शर्तों पर केजरीवाल को रिहाई मिली और रिहाई मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या कहा जो काफी चर्चा बटोरने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, शुक्रवार 13 सितंबर को आम आदमी पार्टी को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। वह है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले मामले में रिहाई मिल गई है, तो सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि कौन कौन सी शर्तें उन पर लगाई गई है जो उन्हें रिहाई मिली। तो आपको बता दें, ईडी में के मामले में जो उन पर शर्तें लगाई गई थी, वही शर्तें सीबीआई के मामले में भी लगाई गई। पहली शर्त है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में जाने की इजाजत नहीं होगी, यह कहना है कोर्ट का। दूसरी शर्त है, वह आधारित फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी अनुमोदन प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरी शर्त है, वह मौजूदा मामले में अपनी भूमिका पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। चौथी शर्त है, वह मामले के किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या आधारित मामले की फाइलों तक उनकी पहुँच नहीं होगी, यानी गवाहों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पांचवी शर्त, मुख्यमंत्री को अब एक बड़ी पीठ गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई से संपर्क करके इन प्रतिबंधों से संशोधन की मांग करनी होगी। इसके बाद जो फाइलों पर हस्ताक्षर करने की बात हुई है, उसको लेकर काफी चर्चाएं चलने लगी कि क्या केजरीवाल जमानत पर होने के बाद भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। इन चर्चाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसी गलत सूचना चल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम मामले में 12 जुलाई को पारित पिछले आदेश में कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। सिंघवी की प्रतिक्रिया दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आई। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी की व्यवस्था पर न्यायाधीशों के बीच मतभेद भी हुआ था। अब आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा वीयूवा न्यूज़।